नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। सनी डालते हैं आज की खबरों पर। महाराजगंज सदर तहसील क्षेत्र के थाना घुगुली के अंतर्गत करमही के टोला धर्मपुर निवासी राम प्यारे जयमन भुट जवर छवर की जमीन पर कब्जा करने को लेकर हाईकोर्ट में बात दाखिल किया था। हाईकोर्ट के आदेश पर रविवार को राजस्व विभाग की टीम तहसीलदार मोहम्मद यासीम नायब, तहसीलदार विवेकानंद दुबे कानूनगो, ओम प्रकाश मिश्रा, घुगुली पुलिस के साथ जेसीबी लेकर मकान गिराने पहुंची। मकान तोड़ा जा रहा था तभी ग्रामीणों और तहसीलदार से नोकझोंक होने लगी। तभी ग्रामीण बिना नोटिस पुश्तैनी मकान अपने आंखों के सामने गिरता देख फपक फपक कर तहसीलदार से मकान न तोड़ने का अनुरोध करने लगे। आक्रोशित महिलाओं ने जेसीबी का शीशा तोड़ दिया तथा लाठी डंडा ईंट पत्थर लेकर राजस्व टीम और पुलिस पर हमला बोल दिया। विवाद इतना बड़ा कि काफी मात्रा में पुलिस बल बुलानी पड़ी, तब जाके मामला कुछ शांत हुआ। क्या है पूरा मामला यहाँ पे? माननीय न्यायालय हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि रामाशीष प्रजापति वर्सेस मोहम्मद जसीम, जो हमारे तहसीलदार हैं, उनका एक ऑर्डर था 2016 वाला, जिसमें रास्ते की जमीन पे कुछ अतिक्रमण था, उसको हटवाने के लिए कंप्लाइंस के लिए पीएल दाखिल किया गया था। उसी के कंप्लाइंस में पहले भी एक एफिडेविट दाखिल किया गया था हम लोगों की तरफ से कि दोनों पक्ष सहमत है और जितना हटाना था उतना हट गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बाद में अप्लीकेंट जो है उन्होंने जाके हाईकोर्ट में एक और अप्लीकेशन डाला है कि पूरी अतिक्रमण नहीं हटी थी। तो उसी की कंप्लायंस में 13 तारीख को जो है अभी हियरिंग है, 13/1/2020 को, उसी में तहसीलदार साहब और डीएम साहब को पर्सनल एफिडेविट भी लगना है। तो उसी की कंप्लायंस में और हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में हम लोग आज अतिक्रमण हटाने आए थे। तो लगभग पूरा अतिक्रमण तो हट गया है, इसी में गाँव वाले और पुलिस के और प्रशासन के बीच में थोड़ी बहुत और बहस और ये सब हुआ था। तो इसी के लिए एएसपी साहब भी यहाँ पे मौजूद है, सीओ साहब भी मौजूद है। तो अभी पूरा अभी जो है शांति है और गांव वाले सब सहमत है और जो अप्लीकेंट है वो भी सहमत है और जितना अतिक्रमण हटना था वो सब हट गया है। सर के लिए माहौल सब शांत है। सर, जेसीबी में तोड़फोड़ की गई है, प्रशासन की गाड़ियों को तोड़ हुआ, पथराव हुआ, थोड़ा पथराव और जेसीबी की गाड़ी और जितने भी जिन्होंने लोगों ने किया है उन सबके खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी और आइंदा भी आगे के एक हफ्ते के लिए यहाँ पे भी फोर्स मौजूद रहेगा कि आगे भी कोई भी ऐसी घटना ना हो। थैंक यू सर।